हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्री फेस स्टार्टर में कनेक्शन के बारे में कि इसमें कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो इसमें जो बेसिक चीज़ें लगाई जाती है वो है दोस्तों एमसीबी। अब एमसीबी क्यों लगाई जाती है दोस्तों, तो ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड से हमारे जो मोटर है उसको बचाएगी, यानी कि ये जैसे लोड बढ़ेगा ये ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों ये अपनी जो मोटर है उसके लोड के अनुसार आप लगा सकते हैं। मिनिमम आप 25 एम्पेयर की एमसीबी आपको लगानी पड़ेगी, यहाँ पर आप 3 किटआउट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ होगी वो है एमीटर। एमीटर का काम होगा एम्पेयर बताने का, यानी कि हमारी मोटर कितना एम्पेयर ले रही है। और इसके बाद में दोस्तों बात आती है वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर का जो काम होता है दोस्तों वो है वोल्ट बताने का, यानी कि हमारे प्रेजेंट टाइम में कितने वोल्ट आ रहे हैं। अब इसके बाद में दोस्तों जो चौथी चीज़ है वो है स्टार्टर। तो स्टार्टर आप अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। अब दोस्तों इसमें जो कनेक्शन है उसकी बारी आती है कि इसमें कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 3 पेज आते हैं, जिनको हम आर और वाई और बी बोलते हैं। तो यानी कि दोस्तों ये हमारी लाइन है, यानी कि यहाँ से हम लाइन देंगे। अब दोस्तों इसमें जो कनेक्शन होगा वो कैसे होगा। अब दोस्तों हमारा जो पहले हम बी वाले का देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बी वाला है, तो ये यहाँ से होता हुआ जो हमारा ए मीटर है उसके अंदर जाएगा, और यहाँ से हम इसमें आउटपुट ले लेंगे, और हम इसको जो स्टार्टर के टर्मिनल है ऊपर वाले उसमें कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा जो वाई वाला है उसको हम यहाँ से डायरेक्ट ले जाके जो स्टार्टर का मिडिल वाला टर्मिनल है उसमें लगा देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा आता है रेड वाला वायर। तो जो हमारा रेड वाला वायर है दोस्तों, तो यहाँ से होता हुआ जो ये टर्मिनल है यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमारा वोल्ट मीटर है हम उसके कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, यहाँ से हमारा एक रेड वाले में जोड़ दिया और एक हम येलो वाले में जोड़ देते हैं, तो ये येलो वाले में जुड़ गया। तो यानी कि हम यहाँ से कोई से भी दो वायर से हम वोल्ट मीटर को कनेक्शन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा जो मोटर वाला कनेक्शन है तो वो कहाँ से लेंगे। तो दोस्तों यह हमारा रेड वाला वायर है, तो यहाँ पर जो नीचे की साइड में ये टर्मिनल है ये वाई वाला है दोस्तों। तो ये हो गया, यहाँ पर ऊपर भी जैसे वाई वाला है नीचे भी आपको पीले वाले में ही देना होगा। अब इसके बाद में रेड वाला है दोस्तों, तो रेड वाला दोस्तों यहाँ पर ये साइड में है, तो यहाँ इसके नीचे इसको हम जोड़ देंगे कि नीचे ये 3 टर्मिनल दिए हुए हैं। अब इसके बाद में दोस्तों ये हमारा बी वाला हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे जो 3 फेज स्टार्टर है उसमें कनेक्शन होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।